हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजिस्ट ए के एंड आई एम आरती कौशिक अगेन विद अनदर वीडियो दैट इज अबाउट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ टेट्रापॉड लिम्ब. इफ यू वांट क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक देन प्लीज क्लिक ऑन द वीडियोज लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माई वीडियो एंड लेट्स बिगिन विद मी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो टेट्रापॉड की लिम्ब होती है उनकी फॉर्मेशन के लिए जो कुछ सेल्स होती हैं जिनकी डेथ रिक्वायर होती है, वो जो डेथ होती है वो एक प्रोग्राम्ड मैनर में होती है. और यहाँ पे कुछ माइंड मैप दिए गए हैं या फ्लो चार्ट दिए गए हैं उस प्रोग्रामिंग के और उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के जो मेजर रोल प्ले करती हैं डिजिट की फॉर्मेशन में. एज वी नो, जब भी हमारी टेट्रापॉड्स में, जिसमें मैमल्स भी इंक्लूड होते हैं, उसकी डिजिट फॉर्म होती है तो इंटरमीडिएट जो सेल्स होती हैं, मेसेंकाइम सेल्स, वो वेबिंग का काम करती हैं और उनमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ वाला जो मैकेनिज्म है वो एक्ट करता है. तो वहाँ पे बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जिसकी वजह से ये एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है और हमारी डिजिट एक दूसरे से डिफरेंशिएट होती है. तो इसको आप समझने से पहले मेरी जो गिलबर्ट की जो बुक है उसको फॉलो करिए, उसको रीड करिए टेट्रापॉड लिम्ब डेवलपमेंट वाले टॉपिक के लिए, और मेरी वीडियोज़ को देखिए. ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल डायरेक्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है. इसको समझने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या पाथवे फॉलो होता है जब एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है. कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है एपोप्टोसिस के लिए, वो बीएमपी प्रोटीन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है. बीएमपी 2, 4 एंड 7 ये एक्सप्रेस होते हैं इंटर डिजिटल मेजेंटाइम्स में. इंटर डिजिटल मीन्स दो डिजिट के बीच में जो वेबिंग फॉर्म हो रही है या इंटर डिजिटल मेजेंटाइम है वहाँ पे ये एक्सप्रेस होते हैं. इसका जो एक्सप्रेशन है बीएमपी का वो डिपेंड करता है अप रेगुलेटेड सिंथेसिस किसकी, रेटिनोइक एसिड की. हमें पता है रेटिनोइक एसिड जो होता है वो प्रोक्सीमल जो हमारी लिम्ब होती है उसको फॉर्म करते हैं, प्रोक्सीमल एक्सिस को फॉर्म करते हैं, मेनली ये ह्यूमरस बनाते हैं. तो जो ये बीएमपी होते हैं इनकी सिग्नलिंग अगर ब्लॉक हो जाती है तो जो इंटर डिजिटल एपोप्टोसिस है वो भी ब्लॉक हो जाती है. तो ये मेजर रोल प्ले करते हैं एपोप्टोसिस की प्रोसेस में. इनका जो एक्सप्रेशन है वो पी जेड मेजेंटाइम सेल्स में होता है. पी जेड मीन्स प्रोग्रेस जोन, जो प्रोग्रेस कर रहा है उसमें होता है, उसकी सेल्स को एपोप्टोसिस करवाई जाती है. क्योंकि जब हमारा डिस्टल लिम्ब जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो गया है, डिजिट बी कार्टिलेज जो है वो फॉर्म हो चुकी हैं और उनके बीच में जो वेबिंग है उसकी वहाँ पे जो मेजेंटाइम सेल्स प्रेजेंट है उनकी डेथ करवानी है, उस टाइम पे ये जो प्रोक्सिमल जोन होता है हमारे लिम्ब बड़ में यहाँ पे, वहाँ पे ये बीएमपी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक्सप्रेस होते हैं. ये इंड्यूस करते हैं इन सेल्स की एपोप्टोसिस को. तो यहाँ पे क्या होता है, जो बीएमपी की सिग्नलिंग है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है. तो इस यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है वो ये वाला मैकेनिज्म होता है. मींस यहाँ पे जो बीएमपी की सिग्नलिंग है वो डुअल फंक्शन करती है, मतलब उसके दो फंक्शन होते हैं बेसिकली. एक तो ये कि बीएमपी जो है तब रिसीव की जाती है जब फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होते हैं. जब वो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और तब वो बीएमपी जो है वो रिसीव की जाती है इन इंटर डिजिटल मेजेंटाइम सेल्स के थ्रू, उस टाइम पे ये क्या करती है, एपोप्टोसिस को इंड्यूस करती है. और जो ये एपोप्टोसिस का इंड्यूस इंडक्शन है, ये इंडक्शन किसके थ्रू करती है, डिग ऑफ के थ्रू करती है. ये डिग ऑफ को क्या करती है, एक्टिवेट करती है, जो एपोप्टोसिस को मेडिएट करता है. बट ये जो डिग ऑफ होता है ये बीटा कैटेनिन और वेंट को ब्लॉक भी करता है और स्केलेटल फॉर्मेशन की हेल्प भी करता है, क्योंकि बीएमपी जो होता है बेसिकली वो कार्टिलेज की फॉर्मेशन करवाता है. सेकंड होता है यहाँ पे वेंट, जो वेंट होता है वो भी रिसीव किया जाता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की प्रेजेंस में. हमें पता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 एंड जो 10 होते हैं वो एपिकल एक्टोडर्मल रिज में ही एक्सप्रेस होते हैं. तो तब जब ये वेंट और बीटा जो कैटेनिन है वो एक्सप्रेस होते हैं फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की प्रेजेंस में, तो वो कार्टिलेज एंड बोन फॉर्मेशन को इंड्यूस करवाते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में कि कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं. तो यहाँ पे हमें पता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जब प्रेजेंट होगा डिगो एक्टिवेट होगा, एपोप्टोसिस होगी, और वेंट बीटा कैटेनिन जो है वो कार्टिलेज देगा. पर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हमारा फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट नहीं किया गया. प्लस यहाँ पे बोला गया कि जो बीएमपी है बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन वो इंड्यूस करवा रहा है वेंट सिग्नलिंग को, तो ये गलत है. यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, डिगोफ को एक्टिवेट करवा रहा है, और यहाँ पे बोला गया कि वेंट बीटा कैटेनिन एक्टिवेट करवाता है बीएमपी को, तो ये भी गलत है हमारा. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आता है ए. अगेन पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन ये बोला गया कि जो चिक है उसमें जब डेवलपमेंट होती है विंग फैदर्स की, थाई फैदर्स की एंड क्लोज की, वो डिपेंड करती है एपिथीलियल स्पेसिसिटी पे. जो एपिथीलियल सेल्स होती हैं उनकी स्पेसिसिटी पे जो है डिपेंड करती है कि वो कौन सी सेल्स हैं. स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक हैं विंग
बनाने के लिए, या थाई फेदर्स बनाने के लिए, या फिर क्लॉ बनाने के लिए। ये जो स्पेसिफिसिटी है ये कन्फर्ड की जाती है बाय इंडक्शन। हमें पता है कि भाई कुछ सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स होते हैं या कुछ सेल्स होती हैं जो वो माइग्रेट करके आती हैं, या कुछ सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स होते हैं जो इंड्यूस करते हैं सेल्स को, जिसकी वजह से स्पेसिफिसिटी आती है। तो ये जो इंडक्शन है ये मेजेनकाइम से आता है। मेजेनकाइम कंपोनेंट यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे मेजेनकाइम कंपोनेंट फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स होंगे या फिर TBX होगा 5 एंड TBX 4। ठीक है, तो जो भी मेजेनकाइम कंपोनेंट्स हैं जो फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ डर्मिस, जो डर्मिस के डिफरेंट सोर्स से आते हैं, वो इसको इंड्यूस करते हैं और एक एपिथेलियल स्पेसिफिसिटी देते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट जो पार्ट हैं लिम के वो ग्रो होते हैं। तो ये किसकी वजह से हो सकते हैं कि भाई ऑटोक्राइन इंट्रैक्शन हो रहा? नहीं, ऑटोक्राइन इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई सेल्स हैं वो सिक्रेट कर रही हो किसी पर्टिकुलर सिग्नलिंग मोलिक्यूल को, और सिग्नलिंग मोलिक्यूल उसी सेल पे एक्ट करें। रिसेप्टर एक्टिवेशन बाय हार्मोन्स, तो यहाँ पे हार्मोन्स का भी कोई रोल नहीं है। इनएक्टिवेशन ऑफ जेनेटिक इंट्रैक्शन, नहीं, अगर जेनेटिक इंट्रैक्शन का इनएक्टिवेशन होता तो यहाँ पे कुछ म्यूटेशन क्रिएट होती या कुछ एबनॉर्मलिटी आती, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे क्या है, रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। तो ये क्या है, ये करेक्ट आंसर है बी। क्यों? क्योंकि जो इंडक्शन है वो तो तीनों को इंड्यूस कर रहा है, बट रीजनल स्पेसिफिसिटी की वजह से ही ये तीनों जो रीजन है वो अलग अलग जो ऑर्गन है उसमें डेवलप हो रहे हैं, ये विंग में, ये थाई में और ये क्लॉ में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोक्सीमल डिस्टल ग्रोथ, मैंने प्रोक्सीमल डिस्टल एक्सिस के अलोंग जो ग्रोथ है लिम की उसके ऊपर वीडियो बनाई है, जो कि मेरा पार्ट टू ऑफ वीडियो है। तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक इन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो ऑल्सो, बट इफ यू वॉन्ट द कंप्लीट सोर्स देन वॉच दैट। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टेटापोड लिम फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वर विजुअलाइज्ड। जब प्रोक्सीमल डिस्टल एक्सिस की ग्रोथ को स्टडी किया गया, तो उस टाइम पे जो टेटापोड लिम है वो कैसे डिफरेंशिएट हो रही है और उसमें कौन कौन से जो रीजन है लिम बढ़ के, उन कौन कौन से रीजन रोल प्ले करते हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। तो उसमें ये सबसे पहले ये पता चला था कि जो AER है और जो प्रोग्रेस जोन होता है, उन दोनों के बीच में क्या आता है, इंट्रैक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो पहली एक रीजनल स्पेसिफिसिटी देता है प्रोक्सीमल डिस्टल ग्रोथ को, तो उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो जो AER है, एपिकल एक्टोडर्मल रीच है, और प्रोग्रेस जोन है, उनके बीच में इंट्रैक्शन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इसमें क्या था, जो फोरलिम मेजेनकाइम है उसमें डिफरेंट वे से जो है ग्राफ्ट किया गया था, यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स को, डिस्टल लिम को किया गया या फिर एक्स्ट्रा AER को किया गया। तो वो समझते हैं कि क्या क्या हुआ था। ये फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि जब AER क्या, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, उसको रिमूव कर दिया जाता है किसी भी टाइम पे डेवलपमेंट के, तो जो डेवलपमेंट है डिस्टल लिम की वो स्टॉप हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो AER है वो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 एंड 10 के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 जो है वो यहाँ पे क्या करता है, वो यहाँ पे करता है TBX4 को एक्टिवेट। ठीक है, वो हिंडलिम को जो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो सिग्नलिंग है वो बेसिकली यहाँ पे स्टॉप हो जाती है जब AER को रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लिम डेवलपमेंट सीज हो जाती है। ये फोर लिम में भी सीज हो जाएगी और ये हिंडलिम में भी सीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो AER है वही रिमूव कर दिया गया, तो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर नहीं एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से पूरी सिग्नलिंग ही नहीं एक्यूरेटली हो पाएगी। फिर एक्स्ट्रा जब AER को इंजेक्ट किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है इस फोरलिम मेजेनकाइम में, तो क्या होता है, विंग जो होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, क्योंकि वो पहले जो था वो भी एक्सप्रेस हो रहा है और एक्स्ट्रा भी एक्सप्रेस होगा, इस वजह से ये क्या हो जाता है, डुप्लीकेट होता है और सुपर न्यूमरी स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। अगर लैग मेजेनकाइम्स को फोरलिम मेजेनकाइम्स के अंडर यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्टल हिंडलिम स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, मतलब टोए वाले स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे लिम के एंड पे। क्योंकि क्या हो रहा है, जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हैं या जो AER है, उसका रोल होता है फोरलिम और हिंडलिम दोनों की ग्रोथ में। तो वो फोरलिम की हो, में AER हो या फिर वो हिंडलिम का हो, जब यहाँ पे मेजेनकाइम सेल्स होंगी वो लेग वाली होंगी या फिर वो हेड वाली होंगी, उन मेजेनकाइम सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है। क्योंकि जो AER है वो तो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स को ही तो जनरेट करेगी, वो तो आगे सिग्नलिंग कर देगा, पर जो लेग मेजेनकाइम है वो यहाँ पे TBX जो 4 है उसको एक्सप्रेस कर देंगी। अगर फोरलिम की हो रही थी तो TBX 5 यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाता। तो इट डिपेंड्स ऑन द मेजेनकाइम सेल्स, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, टोए स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, या फिर बोले तो हम यहाँ पे हिंडलिम स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अगर जो लिम मेजेनकाइम उसको रिप्लेस कर दें नॉन लिम मेजेनकाइम्स के साथ, तो क्या होगा,
डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि नॉन लिम्ब मेजेनकाइम है, मेजेनकाइम आल्सो प्ले अ मेजर रोल, क्योंकि जो मेजेनकाइम सेल है वो प्रोग्रेस जोन में है, वो प्रोग्रेस जोन के साथ रिलेशन होता है AER का। अगर प्रोग्रेस जोन ही नहीं होगा नॉन लिम्ब, क्योंकि जो प्रोग्रेस जोन होता है वो मेजेनकाइम सेल्स कंसिस्ट करता है जो प्रोलिफरेटिव स्टेट में रहती है, माइटोसिस की स्टेट में रहती है। तो अगर यहाँ पे नॉन लिम्ब मेजेनकाइम है तो वो जो सेल्स होंगी उनकी जो कैपेबिलिटी होगी एक पर्टिकुलर सेल को जनरेट करने की और उनकी जो स्पेसिफिसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, इसीलिए यहाँ पे लिम्ब की जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाती है। एंड ये क्या करते हैं कि जो AER है उसको रिप्लेस कर देते हैं फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की बिट के थ्रू। तो नॉर्मल विंग फॉर्म होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने बोला कि जो AER है वो सोर्स होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स का, तो उसको यहाँ पे इंजेक्ट करा जाए या उसकी बिट को इंजेक्ट करा जाए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो होगा वो नॉर्मल फॉर्म होगा। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे सुपर न्यूमरी स्ट्रक्चर क्यों नहीं फॉर्म हो रहा, क्योंकि यहाँ पे AER को रिमूव करके तब यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की बिट को जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो फंक्शन था वो ये प्ले करता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट दिखे हैं। पहली स्टेटमेंट है, इफ द एपिकल एक्टोडर्मल रिज इज रिमूव्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लिम्ब डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ डिस्टल लिम्ब स्केलेटन एलिमेंट सेज, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इफ लैग मेजेनकाइम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द विंग, डिस्टल हिंडलिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द लिम्ब, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इफ एन एक्स्ट्रा AER ग्राफ्टेड ऑन टू एन एग्जिस्टिंग लिम्स बर्ड, सुपर न्यूमरी स्ट्रक्चर आर फॉर्म यूजली एट अ डिस्टल एंड ऑफ द लिम्ब, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है, इफ लैग मेजेनकाइम प्लेस डायरेक्टली बीनीथ द विंग AER, प्रोक्सीमल हिंडलिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द लिम्ब। जब लैग मेजेनकाइम को प्लेस करेंगे AER के नीचे तो जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो तो हिंडलिम्ब जो सिग्नलिंग है या जो मेजेनकाइम सेल्स है उन्हीं को तो इंड्यूस कर पाएगा, वो प्रोक्सीमल जो रीजन है उनको तो नहीं कर पाएगा ना, प्रोक्सीमल हिंडलिम स्ट्रक्चर को वो नहीं कर पाएगा, वो डिस्टल हिंडलिम स्ट्रक्चर को प्लेस कर पाएगा, मतलब इंड्यूस कर पाएगा, क्योंकि जो प्रोक्सीमल पार्ट होगा वो होगा हमारा थाई वाला पार्ट, पर जो डिस्टल पार्ट होगा वो हमारा होगा टोए और इस वाला पार्ट। तो जो AER का बेसिक रोल होता है वो डिस्टल जो पार्ट फॉर्म करने के लिए होता है, ना कि प्रोक्सीमल पार्ट फॉर्म करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमारे करेक्ट जो सीक्वेंस होगा वो होगा पी क्यू एंड आर, सो आर करेक्ट आंसर इज जी। अगेन ए सिमिलर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन दिसंबर 2013, इसमें पूछा गया कि एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए ये डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि क्या इफेक्ट होता है एपिकल एक्टोडर्मल रिज का चिक लिम्ब में, जब उसको मेजेनकाइम सेल्स में उस जो है अलग अलग वे से उसको ग्राफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दी गई हैं, सिमिलर क्वेश्चन है बस स्टेटमेंट चेंज की गई है, और यहाँ पे चिक को बेसिकली जो है यहाँ पे बोला गया कि चिक के लिम में ऐसा किया गया, ये एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट किया गया। तो सबसे पहले उन्होंने AER को फोर लिम में रिमूव किया, तो जो डेवलपमेंट है लिम की वो सीज हो जाती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इफ एक्स्ट्रा AER प्लेस की जाएगी फोर लिम में तो वो क्या करेगी, डुप्लीकेट करेगी डिस्टल लिम को। मैंने बोला कि AER डिस्टल जो मेजेनकाइम सेल्स होती हैं उनको स्पेसिफाई करती है, तो वो डुप्लीकेट करेगी और डबल विंग फॉर्म कर देगी, मींस मिरर इमेज फॉर्म कर देगी, विंग की सुपर न्यूमेरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड में उसने बोला अगर एक्स्ट्रा AER प्लेस किया जाता है फोर लिम बर्ड में तो एक लेग डेवलप होती है इंस्टेड ऑफ विंग। जब एक्स्ट्रा AER को प्लेस करेंगे फोर लिम में, जब फोर लिम है तो फोर लिम का ही डिस्टल पार्ट फॉर्म होगा, डेट इज डबल विंग फॉर्म होंगे, तो लेग कैसे डेवलप हो सकती है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ उन्होंने बोला अगर AER फोर लिम बर्ड को रिप्लेस कर दें किसके साथ, बीड्स के साथ जो सोक होंगी फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर टू में, तो एक नॉर्मल विंग डेवलप होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो AER है वो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, 10, 7, 17 and 2, 4 इन सबको एक्सप्रेस करवाता है, तो इसी वजह से जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 है वो भी वही फंक्शन करेगा और एक नॉर्मल विंग डेवलप होगा, तो फोर्थ भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिफ्थ ये है, इफ ए नॉन लिम्ब मेजेनकाइम, अगर नॉन लिम्ब मेजेनकाइम को प्लेस कर दें AER के बिलो तो जो AER है डायरेक्ट करेगी मेजेनकाइम टू फॉर्म में नॉर्मल विंग, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो वो नॉन लिम्ब मेजेनकाइम है और वो मेजेनकाइम सेल्स ये जो इन्फॉर्मेशन जो है इनहेरिट नहीं करती कि उनको लिम्फ फॉर्म करना है, तो AER उनमें उस सिग्नलिंग को इंड्यूस नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन है एपिकल एक्टोडर्मल रिज पे ही है, इसमें बोला गया है कि जो AER है उसका इंडक्शन एसेंशियल होता है टेट्रापोड की लिम्ब डेवलपमेंट के लिए, फोर लिम्ब के लिए भी और हिंड लिम्ब के लिए भी। Which of the following is not essential for formation of functional limb? पहले बोला TBX जीन, हमें पता है TBX जीन जरूरी होती है, वेंट सिग्नलिंग भी जरूरी होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के टाइम पे भी जरूरी होती है, और जब हमारी डिजिट फॉर्म हो रही होती है तब भी जरूरी होती है। एपोप्टोटिक जीन जरूरी होते हैं जब हमारी डिजिट्स को डिफ्रेंशिएट करना होता है, वेबिंग सेल्स को रिमूव करना होता है। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं हिंडलिम और फोरलिम दोनों की डेवलपमेंट में, एंड्रोस्टेरोन का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता, तो जो ऑप्शन यहाँ पे होगा वो होगा एंड्रोस्टेरोन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिम्ब डेवलपमेंट इन माइस इज ट्रू,
कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है लिम्ब डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग माइस के केस में? तो इसको समझने से पहले हम जो सिग्नलिंग है उसको समझ लेते हैं कि कैसे होता है। माइस के केस में पूछा है तो माउस की फोर लिम्ब का ये है और जो माउस की हिंड लिम्ब के लिए ये है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रेटिनोइक एसिड होता है एंटीरियर रीजन में एक्सप्रेस होता है और पोस्टीरियर में होता है हमारा जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है जो एक्टोडर्म में होता है, बेसिकली एपिकल एक्टोडर्म रिच में होता है। डिस्टल रीजन भी इधर ही फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो हम देखें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे रेटिनोइक एसिड पीबीएक्स को एक्सप्रेस करवाता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो मेजेंकाइम सेल्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वेंट सिग्नलिंग को ये इंड्यूस करवाता है। जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले इंड्यूस होते हैं एक्टोडर्म में, एपिकल एक्टोडर्म रिच में, उसके बाद वो एक्टिवेट कराते हैं फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स को वेंट के थ्रू। तो यहाँ पे जो ये है पॉजिटिव फीडबैक लूप, एक यहाँ पे फॉर्म होता है और एक यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक लूप फॉर्म होता है। ये जो प्लस साइन होता है ये पॉजिटिव फीडबैक लूप को डिनोट करता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 होता है वो यहाँ पे जो मेजेंकाइम सेल्स होती हैं प्रोग्रेस जोन में जो कि लिम्बर में यहाँ पे लाई करता है उसको माइटोसिस स्टेट में रखते हैं जिसकी वजह से आउट ग्रोथ होती है डिस्टल एंड के टुवार्ड्स हमारे लिम्बर की। तो ये है हमारा फोर लिम्ब का। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पीटीएक्स फर्स्ट और आइसोलेट फर्स्ट जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर पीटीएक्स फर्स्ट की बात करें तो ये हिंडलिम स्पेसिफिकेशन करता है होक्स C10 की, और जो ये जो जीन होता है अगर इसमें पीटीएक्स फर्स्ट में अगर म्यूटेशन आ जाती है तो बाइलेटरल क्लब फुट टाइप का फिनोटाइप फॉर्म होता है। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है हिंडलिम की फॉर्मेशन में माउस के केस में। तो जो अगर हम मैं यहाँ पे बात करूँ आइसोलेट की तो ये इंड्यूस करवाता है हिंडलिम बर्ड फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे ये दोनों ही एक्टिवेट करेंगे टीबीएक्स फोर को जो कि हिंडलिम के लिए स्पेसिफिक होता है क्योंकि जो टीबीएक्स फोर होता है वो स्पेसिफाई करता है हिंडलिम को, टीबीएक्स फाइव जो होता है वो स्पेसिफाई करता है फोर लिम को। और फिर वही चलता है कि ये फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर सबसे पहले एक्टिवेट होगा AER में, उसके बाद वो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 को एक्टिवेट कराएगा जिसके बाद वेंट सिग्नलिंग जो है वो एक्टिवेट होगी। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 और 8 में ये रिलेशन होता है कि दोनों एक दूसरे की सिंथेसिस को इंड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ अगर आप इस जो लेटर प्लेट का जो रोल है और एक्टोडर्म का जो रोल है इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मेरी पार्ट फर्स्ट वीडियो को वॉच करें जिसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। दैट वीडियो इज़ विद ए नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब बड एंड द इंडक्शन ऑफ लिम्ब बड इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द जीन इनकोडिंग टीबीएक्स फाइव इज ट्रांसक्राइब इन द हिंडलिम इन द लिम फील्ड ऑफ हिंडलिम। हमें पता है कि जो टीबीएक्स फोर होता है वो क्या करता है वो हिंडलिम को स्पेसिफाई करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी। फिर है द जीन इनकोडिंग टीबीएक्स फोर इज ट्रांसक्राइब्ड इन द हिंडलिम इन द लिम फील्ड ऑफ द फोर लिम। तो जो टीबीएक्स फोर होता है वो हमारा किसको स्पेसिफाई करता है हमारी हिंड लिम को स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पे बोला है जीन इनकोडिंग आइसोलेट फर्स्ट एंड टीबीएक्स फोर एंड पीटीएक्स आर एक्सप्रेस इन प्रिजम्प्टिव हिंड लिम। एंड यहाँ पे बोला गया है ये स्टेटमेंट हमारी जो क्या है करेक्ट है क्योंकि ये दोनों इंड्यूस करवाते हैं टीबीएक्स फोर को और उसके बाद आगे सिग्नलिंग प्रोसीड होती है। और यहाँ पे देखें जीन इनकोडिंग आइसोलेट फर्स्ट टीबीएक्स फोर पीटीएक्स आर एक्सप्रेस इन प्रिजम्प्टिव फोर लिम। तो ये क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये भी हमारा जो है ये भी हमारा प्रोक्सीमल डिस्टल एक्सिस के डेवलपमेंट वाले पार्ट से ही है। इसमें पूछा गया कि जो डोज डिपेंडेंस है रेटिनोइक एसिड ट्रीटमेंट की वो सपोर्ट करती है नोशन को डेट ए ग्रेडियंट ऑफ रेटिनोइक एसिड एक्ट कैन एक्ट एज ए मोर्फोजन अलोंग द प्रोक्सीमल डिस्टल एक्सिस। उसने बोला कि जो ग्रेडियंट होता है रेटिनोइक एसिड का वो एज ए मोर्फोजन एक्ट करता है प्रोक्सीमल डिस्टल एक्सिस के अलोंग एक डेवलपिंग लिम में। तो उसके अगेंस्ट ये सारी स्टेटमेंट दी गई है तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसको समझने से पहले ये समझते हैं। You can also watch part 2 of my video and I'm also explaining in this video. यहाँ पे क्या होता है ये जो पिक्चर है ये डिनोट करिए यहाँ पे ग्रेडियंट मॉडल को लिम्प पैटर्निंग अलोंग प्रोक्सीमल डिस्टल एक्सिस। यहाँ पे दो अपोजिंग ग्रेडियंट होते हैं जो डिस्टल AER होता है। डिस्टल AER का मतलब यहाँ पे क्या होता है एपिकल एक्टोडर्मल रिज वो डिस्टल रीजन में होता है तो वो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स को सिक्रेट करता है और वेंट मोलिक्यूल को सिक्रेट करता है। और प्रोक्सीमल जो फ्लैंक टिश्यू होते हैं जो शोल्डर फॉर्म करते हैं वहाँ पे रेटिनोइक एसिड यहाँ पे एक्सप्रेस होता है। इन दोनों के बीच में एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये है कि जो रेटिनोइक एसिड है वो यहाँ पे ब्लॉक करता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे ब्लॉक करते हैं रेटिनोइक एसिड को। उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिप्रेशन भी होता है सेकंड डिफरेंशियल रेगुलेशन भी करवाते हैं ये दो ग्रेडियंट डिफरेंट जीन्स का। तो जैसे ही लिम्ब बड प्रोग्रेस होता है प्रोग्रेस होने का मतलब है कि उसकी जैसे ही ग्रोथ बढ़ती है डिस्टल एंड के टुवार्ड्स जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा जो AER वाला रीजन है जो कि सोर्स होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 का
ठीक है, वो क्या करेगा, वो इस रेटिनोइक एसिड एक्स को एक्सप्रेस करने वाले प्रोक्सीमल जोन से दूर होता चला जाएगा, ये जो रीजन है इससे दूर होता चला जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 होगा उसका एक्सप्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता जाएगा। इसकी वजह से जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 होगा वो अपरेगुलेट करेगा यहाँ पे CYP26 प्रोटीन को, इसको P450-26 भी बोला जाता है। तो ये चीन क्या कर देगा, फिर रेटिनोइक एसिड को डिग्रेड कर देगा, एंड जो रेटिनोइक एसिड है वो प्रमोट करेगा एक्सप्रेशन किसका, ज़्यादा प्रोक्सीमल जीन का, क्योंकि ये जोन और ये जोन एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाएंगे जैसे ही लिम्बर प्रोग्रेस करेगा। तो यहाँ पे जो रेटिनोइक एसिड है वो मिस वन एंड सेकंड को एक्सप्रेस करवाएगा और इसका एक्सप्रेशन होते ही ये ब्लॉक कर देगा CYP26B1 को। ये जो ब्लॉकेज होगा वो प्रोक्सीमल एंड में ही होगा, और जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ब्लॉकेज करवाएंगे वो डिस्टल एंड में ही होगा, जिस वजह से प्रॉपर और बैलेंस वे में हमारी जो लिम्ब है वो ग्रो कर पाएगी। सो जो रेटिनोइक एसिड होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 होता है वो डिफरेंशियल रेगुलेट करवाते हैं प्रोक्सीमल डिस्टल डिटरमाइनिंग जीन को, जैसे जो मिस फर्स्ट और सेकंड होता है उसके एक्सप्रेशन की वजह से स्टाइलोपोड वाला रीजन फॉर्म होता है जिसको ह्यूमरस बोला जाता है, एंड जो जुगोपोड होता है उसमें HOX A11 को यहाँ पे एक्टिवेट करवाया जाता है जिसकी वजह से रेडियस और अल्ना वाला इंटरमीडिएट वाला पार्ट फॉर्म होता है, एंड HOX A13 को यहाँ पे एक्टिवेट करवाया जाता है और उसका ट्रांसक्रिप्शन करवा के उसका प्रोटीन पार्ट फॉर्म कराया जाता है डिस्टल एंड में लिम के, जिसकी वजह से डिजिट फॉर्म होती है। तो जो रोल है इन ग्रेडियंट का, कौन से ग्रेडियंट, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स एंड वेंट मॉलिक्यूल एंड रेटिनोइक एसिड, ये डेमोस्ट्रेट किया गया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इस एक्सपेरिमेंट में अनडिफ्रेंशिएटेड लिम्ब बर्ड मेजेंकाइम को क्या किया गया, ग्राफ्ट किया गया एक्टोडर्मल रीजन में, यंग लिम्ब बर्ड के एक्टोडर्मल रीजन में। सो इन दिस जो एज थी मेजेंकाइम की वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी बोन फॉर्म होगी, ह्यूमरस फॉर्म होगी या फिर जो हमारी रेडियस अल्ना फॉर्म होगी या फिर हमारी डिजिट फॉर्म होगी। तो एज क्यों मैटर कर रही थी, क्योंकि अगर लिम्ब बर्ड हमारी अर्ली एज में होगा तो ये रीजन और ये रीजन एक दूसरे के पास में होंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर इनहिबिशन नहीं हो पाएगा और प्रोक्सीमल डिस्टल एंड जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे। पर जैसे ही ये ग्रो करेगा तो जो प्रोक्सीमल और जो डिस्टल एंड होंगे वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और दोनों ही रीजन नॉर्मली ग्रो कर पाएंगे। सो अगर ये जो लिम्ब यंग लिम्ब बर्ड है उसको ट्रीट करवाया जाता है किसके साथ, रेटिनोइक एसिड के साथ, तो रेटिनोइक एसिड के साथ ट्रीट करवाएं पर वो यंग हो और वहाँ पे वेंट और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रेजेंट हो, तो जो रेटिनोइक एसिड है इन दोनों को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो प्रोक्सीमल पार्ट है, जैसे हमारा जो स्टाइलोपोड वाला पार्ट है या जो हमारा ह्यूमरस वाला पार्ट है वो नॉर्मली फॉर्म हो जाएगा। अगर इसको ट्रीट करवाया जाए फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स के साथ, ठीक है, अगर उसको जो है ट्रीट करवाया जाए फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स एंड वेंट मोलिक्यूल के साथ, ठीक है, अगर वो लेट स्टेज में है तो वो डिस्टल पार्ट फॉर्म करेगा, डिस्टल पार्ट मतलब वो डिजिट वाला पार्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि जो अपोजिंग ग्रेडियंट है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स एंड रेटिनोइक एसिड, ये एक सेगमेंटल पैटर्न बनाते हैं डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मेजेंकाइम सेल्स के अंदर। इस ग्रेडियंट मॉडल की वजह से लिम्ब पैटर्निंग होती है। तो यहाँ पे दो थ्रेशोल्ड होते हैं रेटिनोइक एसिड और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के, एक तो हाई थ्रेशोल्ड होता है, हाई थ्रेशोल्ड मतलब जहाँ पे रेटिनोइक एसिड और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एट दोनों की ही कंसंट्रेशन हाई होती है, जिसकी वजह से स्टाइलोपोड से और जुगोपोड की तरफ जो ग्रोथ है वो ज्यादा होती है, मतलब ह्यूमरस रेडियस अल्ना वाला पार्ट फॉर्म होता है। पर जब लो होता है इनका थ्रेशोल्ड, लो कंसंट्रेशन होती है, तो हमारा जो जुगोपोड से ओटोपोड वाला पार्ट मींस ये रेडियस अल्ना और जो हमारी डिजिट है वो वाला पार्ट फॉर्म होता है। तो ये जो डुअल ग्रेडियंट मॉडल है प्रोक्सीमल डिस्टल पैटर्निंग का, ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन किया गया था आगे। बट यहां पे हमें जो समझना है वो ये है कि जैसे जैसे ये ग्रो करता जाएगा विद टाइम जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है और रेटिनोइक एसिड है दोनों का एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लिम्ब है वो प्रॉपरली ग्रो कर पाएगी। देखते हैं स्टेटमेंट्स को। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है, ट्रीटमेंट जब की जाती है हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड के साथ तो वो क्या करती है, प्रोक्सीमल ब्लास्टिमा को फॉर्म करती है टू बी रीस्पेसिफाइड एज ए डिस्टल ब्लास्टिमा एंड ओनली डिस्टल स्ट्रक्चर आर रीजनरेटेड। इसका मतलब ये है कि जो रेटिनोइक एसिड है वो प्रोक्सीमल ब्लास्टिमा को रीस्पेसिफाई करके डिस्टल ब्लास्टिमा फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से डिस्टल स्ट्रक्चर जैसे हमारे डिजिट टॉयज फिंगर्स ये वाला पार्ट फॉर्म होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है जो रेटिनोइक एसिड है वो प्रोक्सीमल पार्ट फॉर्म करता है, इट मीन्स कि वो जो शोल्डर वाला रीजन है या हिप वाला रीजन है हिंडलिम में वो फॉर्म करेगा। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, ट्रीटमेंट विद हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड कॉज ए डिस्टल ब्लास्टिमा टू भी रीस्पेसिफाइड एज ए प्रोक्सीमल ब्लास्टिमा एंड रीजनरेशन ऑफ ए फुल लिम्ब बर्ड में भी इनिशिएटेड। इसने क्या बोला कि अगर हम ट्रीटमेंट करवा दें यहाँ पे हाई लेवल के साथ, रेटिनोइक एसिड का हाई लेवल है जिसकी वजह से जो डिस्टल ब्लास्टिमा होगी वो रीस्पेसिफाई हो जाएगी प्रोक्सीमल ब्लास्टिमा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से जो हमारी लिम्ब है वो फुली रीजनरेट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मिस जो फर्स्ट और सेकेंड भी एक्सप्रेस होगा और होक्स ए जो हमारा 11 होता है वो भी एक्सप्रेस होगा, जिसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगी हमारी रेडियस अल्ना की और हमारी ह्यूमरस की। तो ये स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट है। फिर आता है ट्रीटमेंट विद रेटिनोइक एसिड अफेक्ट ओनली डिस्टल ब्लास्टिमा
एंड कोज देम टू फॉर्म ओनली प्रोक्सीमल स्ट्रक्चर. ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट अगर रेटिनोइक एसिड के साथ करेंगे तो डिस्टल ब्लास्टिमा को ही क्यों अफेक्ट करेगी, वो प्रोक्सीमल ब्लास्टिमा को भी अफेक्ट करेगी. अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी लिम्बर की तो वो डिस्टल ब्लास्टिमा को अफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो वेंट और जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स होंगे वो ब्लॉक कर देंगे रेटिनोइक एसिड को. बट यहाँ पे भी ऐसा हो सकता था, पर यहाँ पे बोला गया कि हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड, अगर हाई लेवल होगा तो वो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स और वेंट को ब्लॉक करके हमारे प्रोक्सीमल पार्ट को जनरेट कर देगी. लास्ट ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट विद हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड कोज एनी ब्लास्टिमा टू फॉर्म एनी डिस्टल स्ट्रक्चर. अगर हाई लेवल है तो वो डिस्टल क्यों फॉर्म करेगी, वो प्रोक्सीमल फॉर्म करेगी, क्योंकि जो हमारा रेटिनोइक एसिड होता है वो हमारे प्रोक्सीमल रीजन, हिप वाला रीजन या फिर हमारा शोल्डर वाला रीजन को ही जनरेट करती है. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है क्यों और ये सारी क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो गाइज, इफ यू रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो. एंड इफ यू वॉन्ट एनी वीडियो रिलेटेड टू एनी टॉपिक देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो. आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक एंड आई विल ट्राई टू सोल्व ऑल योर प्रॉब्लम इफ यू टेक्स्ट एंड इन द कमेंट बॉक्स एंड विल आस्क योर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.